स्टूडेंट आई स्वाति उपाध्याय वेलकम यू टू SST क्लास ऑफ क्लास 7. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू जियोग्राफी चैप्टर द कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड मेजर एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्टली आई एम गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. द प्लेस वी लिव इन, द पीपल एंड थिंग्स अराउंड अस, the plants, the animals, the land, the buildings, all are part of our environment. Okay? जिन चीज़ों से हम surrounded रहते हैं वो हमारे environment के part हैं. Environment is a combination of both natural and human components. हमारा environment जो है दो चीज़ों का combination है, natural and human components का. The natural environment includes biotic and abiotic components. Biotic environment consists of all living things like plants, animals and human beings. Abiotic environment consists of physical components like land, water and air. Now come to our second component of environment, that is human environment. It consists of all the activities and creation of the human beings. जो भी human की activities हैं और उनके creation हैं ये सभी human environment कहलाते हैं. Students, our next topic is why should we care for the environment? हमें अपने environment की care क्यों करनी चाहिए? Human beings are harming our environment by doing harmful activities like deforestation, hunting of animals, excessive use of natural resources which causes pollution. हम जैसे लोग अपने environment को harm कर रहे हैं बहुत सारे harmful activities करके, like animals को kill करके. Animals को हम kill क्यों करते हैं? For making clothes, belt, shoes. ताकि हमारे जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें. हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. क्यों कट कर रहे हैं? ट्रीज़ को कट करके हम उनके प्लेस पे फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, होम बना रहे हैं. ओके? जिसके कारण पोल्यूशन जो है डे बाय डे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज़ होता जा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो अ क्लीन एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग. The more we don't care about our environment, the more it will become polluted that have harmful impact on our health. हमें अपने environment की सुरक्षा करनी चाहिए. क्यों करनी चाहिए? अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमारा environment day by day pollute होता जाएगा. अगर हम pollute environment में रहेंगे तो क्या होगा हमारे लिए? This is very harmful for our health. ओके सो हमें अपने एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए. ये हमारी ड्यूटी भी है. ओके सो नाउ मेजर एलिमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. अब हम लोग एनवायरनमेंट के मेजर एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिस पे हमारा एनवायरनमेंट डिपेंड होता है. ओके एनवायरनमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. हम एनवायरनमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें और नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं जैसे लैंड, एयर एंड वाटर. एंड व्हाट इज़ बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो चीज़ें आती हैं विच आर लिविंग. ओके दीज टू कंपोनेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट. So students, our next topic is the changing environment. We can divide the environment into four spheres: atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. So what is atmosphere? Atmosphere क्या होता है? The atmosphere is a huge blanket of air that surrounds the earth. It provides us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. Atmosphere हमारा air का एक huge blanket होता है जो कि earth को चारों ओर से घेरे होता है.
एंड ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रीथ करते हैं, और ये सन के हार्मफुल रेस से हमें प्रोटेक्ट भी करता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर हमारा बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है एंड इसमें वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं। एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ से 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाउ लेट अस नो व्हाई एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स अ सेटिंग इन विच ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड। इट मीन्स एटमॉस्फेयर हमें एक सेटिंग प्रोवाइड करता है जिसमें हमारी लाइफ की सभी चीज़ें क्रिएट होती रहती हैं। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर हमारा एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। इट कीप्स द अर्थ वार्म। ये हमारे अर्थ को वार्म रखता है, मीन्स गर्म रखता है। एंड द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब द हीट एंड डू नॉट अलाउ सन रेडिएशन टू कम ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेयर होता है वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है एंड सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आती है एटमॉस्फेयर हमारा अर्थ में उसको एंटर करने नहीं देता है। इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट वुड हैव बीन मच ग्रेटर। इट मीन्स अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे डे एंड नाइट के जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होते। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट एनवायरनमेंट, केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू रेस्ट ऑफ द पार्ट। थैंक यू।